So hello all, welcome to the video lecture series of Digital System Design. Subject code is KEC 302, and here we are in lecture number 11. So what we have covered till now, so अभी तक हमने बात की है, हम बात कर रहे हैं function minimization की, और हम लोगों ने अब जानते हैं function minimization का एक method जो हमने previous lecture में discuss किया था, that is using Boolean algebra. जिसमें हमने डी मॉर्गन थ्योरम का यूज किया है. एंड आफ्टर दैट इन द प्रीवियस लेक्चर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी हैव नोन अबाउट, वी हैव लर्न अबाउट दिस बूलियन एक्सप्रेशन टाइप, कि हमारा एसओपी फॉर्म क्या होता है, पीओएस फॉर्म क्या होता है, और इनको हम कैसे इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैनोनिकल फॉर्म. कैनोनिकल फॉर्म क्यों रिक्वायर्ड थी, बिकॉज हमें कन्वर्ट करना है, हमें कैलकुलेट करना है बेसिकली व्हाट आर द मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म. बिकॉज अब जो हम इस लेक्चर से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज के मैप फंक्शन मिनिमाइजेशन यूजिंग के मैप, वहां पे जो इनपुट रिक्वायर्ड होता है वो मिन टर्म और मैक्स टर्म ही होता है. ओके, सो चलिए इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं. नाउ सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन फंक्शन बाय के मैप. सो अब यहाँ पे आपके सिलेबस में जो के मैप के थ्रू बूलियन फंक्शन का मिनिमाइजेशन करना है, सो वी हैव फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम टू वेरिएबल के मैप, देन थ्री वेरिएबल के मैप, फोर वेरिएबल के मैप, फाइव वेरिएबल के मैप, एंड अप टू सिक्स वेरिएबल के मैप. तो आपके सिलेबस में जो के मैप आपको स्टडी करना है वो 2, 3, 4, 5 and 6 वेरिएबल के मैप. सो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द टू वेरिएबल के मैप, कि बेसिकली के मैप में हम फंक्शन को किस तरह से मिनिमाइज करते हैं. ओके, सो व्हाट इज द के मैप. तो बेसिकली अगर मैं के मैप की बात करूं तो द मैथड फर्स्ट प्रपोज बाय द विच एंड मॉडिफाइड बाय द कारनॉफ, द फुल फॉर्म इज कारनॉफ. तो ये मैथड फर्स्ट प्रपोज बाय विच एंड द मैन मॉडिफाइड बाय द कारनॉफ एंड इट इज नोन एज द विच डायग्राम और द कारनॉफ मैप, और सिंपली वी कॉल्ड इट एज अ के मैप. सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्टेप्स इन द के मैप, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि आप के मैप को बेसिकली सॉल्व कैसे करते हैं. यहां जो मैं इससे के मैप को सॉल्व करना बताता हूं, मैं बेसिकली इसको चार पार्ट में डिवाइड करता हूं. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेशन पार्ट, देन हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द प्लेसिंग, प्लेसिंग ऑल्सो कॉल्ड फिलिंग, एंड देन वी कॉल्ड ग्रुपिंग, ग्रुपिंग और पेयरिंग जिसे हम बोलते हैं, एंड देन we finally calculate the simplified expression. And as I here written as simplified expression, तो अगर आप K-map को calculate, K-map से solve करने के बाद जो expression calculate कर रहे हैं, that will always in this simplified expression, यानी कि simplified form, वो further minimize नहीं हो सकता. अगर वो further minimize हो रहा है, आप boolean law लगा के उसे further minimization सोच पा रहे हैं, that means आपने कहीं ना कहीं K-map में कुछ ना कुछ fault कर दिया. तो चलिए इसके बारे में जो हम यहाँ पे आएंगे तब बात करेंगे. फिलहाल द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज जो हम केमैप करने जा रहे हैं, दे आर फोर स्टेप, रिप्रेजेंटेशन, प्लेसिंग, ग्रुपिंग एंड सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन. सो वन बाय वन लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट स्टेप, दिस इज व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटेशन. सो रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है. अब रिप्रेजेंटेशन में क्या है, उससे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है टू वेरिएबल केमैप. सो अगर मैं टू वेरिएबल केमैप की बात करता हूँ तो बेसिकली दो वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी एक बार डिस्कस किया था. इफ देयर एन बिट्स या एन वेरिएबल, सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन वी हैव, इन जनरल 2 to the power n. सो इफ वी हैव टू वेरिएबल्स, देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशन वी हैव, वी हैव फोर कॉम्बिनेशन. दैट मींस वी हैव फोर कॉम्बिनेशंस. तो यहाँ पे जो के मैप का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है उसमें आपको इस तरह से फोर ब्लॉक्स या सेल रिप्रेजेंट करने हैं, लाइक दिस, दिस इज अ ब्लॉक और इसके अंदर हमने यहाँ चार सेल रिप्रेजेंट किए. अब अगर आप चार सेल देख रहे होंगे तो इन चार सेल में यहाँ पे दो वेरिएबल हैं. कौन कौन से दो वेरिएबल हैं, वन इज कॉल्ड ए एंड वन इज कॉल्ड बी. सो इफ दिस वेरिएबल इज ए, तो सिंगल वेरिएबल के बाइनरी के अंदर कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं. कौन कौन से, 0 and 1. सो मैंने यहाँ पे लिखा है 0 and 1. सिमिलरली बी वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, अगेन 2, 0 and 1. सो रिटर्न एट नाउ आफ्टर दैट दे आर फोर सेल्स. तो इन फोर सेल्स की नंबरिंग की गई है कि ये सेल नंबर 0 है, ये सेल नंबर 1 है, ये सेल नंबर 2 है और ये सेल नंबर 3 है. अब नंबरिंग हुई कैसे, नंबरिंग हुई अगर मुझे इस पर्टिकुलर ब्लॉक का नंबर चाहिए, इस पर्टिकुलर सेल का नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इसके कोड को कंबाइन करूंगा. कंबाइन कैसे करूंगा, इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी. बिकॉज इफ यू रिमेंबर हम हमेशा कैसे लिखते हैं, सिक्वेंस में लिखते हैं, दैट इज ए एंड बी. सो ए का कोड क्या है, 0 और बी का कोड क्या है, 0. तो व्हाट डज इट बिकम्स, दिस इज अ बाइनरी कोड. और अगर इस बाइनरी को आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल बनेगा 0. जी हाँ, मैंने कैसे बनाया, मैंने सिंपली कॉल किया अपना वेटेज. बाइनरी कोड किस पे काम करता है, वेटेज पे काम करता है, 2 और 1 वेटेज. बिकॉज यहाँ पे केवल 2 बिट है तो 8421 मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल कितना बिट ले रहा हूँ, मैं केवल 2 और 1 बिट से इसका वेटेज कैलकुलेट कर सकता हूँ.
ओके तो सिमिलरली अगर आप नेक्स्ट सेल की बात करते हैं, अगर मुझे इस सेल का नंबर कैलकुलेट करना है तो इस सेल का नंबर क्या होगा, ए इज जीरो एंड बी इज वन। तो अगर मैं इस सेल का नंबर कैलकुलेट करूं तो ए इज जीरो एंड बी इज वन, सो व्हाट इज द नंबर सेल, दैट नंबर सेल इज वन। सिमिलरली अगर आप इस सेल को नंबर कैलकुलेट करते हैं तो सेल नंबर जो मैंने यहाँ पे टू लिखा है तो इसका कैसे कैलकुलेशन हुई, ए इज इक्वल टू वन, तो ए इज इक्वल टू वन एंड बी इज इक्वल टू जीरो, तो दिस इज ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू जीरो, द डेसिमल इक्विवेलेंट इज टू। एंड सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट दिस लास्ट सेल। ओके सो ये तो केवल ये वाली बात है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली रिप्रेजेंटेशन आई कैसे है, बट अब जब हम आगे क्वेश्चंस की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने कहा वी आर इन द स्टेप्स, तो ये हमारा पहला स्टेप है, वी आर इन रिप्रेजेंटेशन स्टेप। तो अगर आपको कोई भी टू वेरिएबल के मैप मिलेगा, इफ यू वांट टू सॉल्व द टू वेरिएबल के मैप, टू वेरिएबल का कोई भी फंक्शन है और उसे मुझे यूजिंग के मैप सॉल्व करना है, देन मैं सिंपली सब चीज भूल जाऊंगा, मुझे केवल ये प्रेजेंटेशन याद होनी चाहिए कि दिस इज द स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन, मैं इसको यूटिलाइज करूंगा और तब मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ प्रोसीड करूंगा। ओके तो ये बना कैसे है वो मैंने आपको बता दिया, बट वी हैव टू रिमेंबर दिस टू वेरिएबल के मैप रिप्रेजेंटेशन पोर्शन। ओके सिमिलरली आई एम कंटिन्यूइंग इन द रिप्रेजेंटेशन पार्ट, वी हैव अ थ्री वेरिएबल के मैप। मैं थोड़ा सा पहले रिप्रेजेंटेशन को ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि बेसिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे चल रही है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे। सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट थ्री वेरिएबल के मैप, तो जैसा कि हमने टू वेरिएबल में देखा था कि अगर टू वेरिएबल के मैप है तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन, हाउ मेनी सेल आर देयर, फोर। तो सिमिलरली अगर थ्री वेरिएबल के मैप है तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन विल बी देयर, टू टू द पावर थ्री, दैट मीन्स एट कॉम्बिनेशन, दैट मीन्स एट कॉम्बिनेशन। तो अब यहाँ पे एट कॉम्बिनेशन कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं, लाइक दिस, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री वेरिएबल के मैप। कैसे किया, एक वेरिएबल को हमने एक साइड रखा तो दिस इज वेरिएबल ए एंड रिमेनिंग टू वेरिएबल आर ओवर हियर बी एंड सी। सो एक वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, जीरो एंड वन, दे आर टू कॉम्बिनेशन। और अब तक हम पढ़ चुके हैं दो वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं, चार, कौन कौन से, जीरो जीरो, अगर मैं प्रीवियस स्लाइड में बात करूं आपको, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। बट इन के मैप हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रे कोडिंग, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो के मैप में हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ग्रे कोडिंग, वी हैव रिटन 0001, देन वी हैव रिटन 11 एंड 10। नाउ टू वेरिएबल के ग्रे कोड कैसे जनरेट हुए थे, इसको जानने के लिए आपको ग्रे कोड के लेक्चर आप पढ़ चुके होंगे अब तक, तो आई अज्यूम दैट यू विल नो ग्रे कोड। इफ समवन डोंट नो ग्रे कोड देन आप प्रीवियस ग्रे कोड के लेक्चर को देख सकते हैं, वहां से आपको ग्रे कोड इजिली समझ में आ जाएगा कि टू वेरिएबल्स के ग्रे कोड होते हैं 00, 01, 11 एंड 10। So we have written over this. Okay? Then, उसके बाद now the cell number. तो जैसा कि मैंने आपको two variable के map में बताया, similarly three variable के map में भी आप cell number form कर सकते हैं। कैसे? अगर मुझे इस cell का number चाहिए तो इस cell का number क्या बनेगा? A is equal to zero and B and C is equal to zero zero. तो क्या number form होगा? A is equal to zero, B is equal to zero, C is equal to zero. So that means the number becomes zero. The number becomes zero. कौन से code की use किया है? अगेन वी यूज बाइनरी कोड, बाइनरी वेटेड कोड। तो यहाँ पे तीन बिट हैं, तो आप बाइनरी वेट क्या लिख सकते हैं, फोर, इसका वेट होगा टू, इसका वेट होगा वन। तो यहाँ से अगर जीरो 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 है तो वेट क्या बना, इक्विवेलेंट जीरो। सिमिलरली अगर मुझे इस ब्लॉक के लिए नंबर नोम करना है तो ए बिकम्स व्हाट, ए इज जीरो, बी इज जीरो एंड देन सी इज वन। तो ए इज जीरो, बी इज जीरो एंड सी इज वन, व्हाट डज द कोड बिकम्स, इट वेट्स इट वन। तो यहाँ पे आपका डेसिमल वेटेज कितना बन गया, वन। तो दिस कोड नंबर कितना हो गया हमारा, वन। सिमिलरली हमने नेक्स्ट नंबर यहाँ पे लिखा थ्री, कैसे बना देख लेते हैं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, जीरो, और बी और सी क्या है, वन वन। तो दिस इज जीरो वन वन, दिस इज द कोड जीरो वन वन। तो अगर आप जीरो वन वन को देखेंगे एज पर द वेटेड फोर टू वन, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या बनेगा, थ्री। तो दिस ब्लॉक नंबर इज थ्री। सिमिलरली दिस ब्लॉक नंबर इज टू, दिस ब्लॉक नंबर इज फोर, दिस ब्लॉक नंबर फाइव, दिस ब्लॉक नंबर सेवन एंड दिस ब्लॉक नंबर सिक्स। सो We have a standard representation of this three variable K map. इसे आप different तरीके से बना सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि मैं A variable को इधर ले लूं या B C को इधर ले लूं या A C को इधर लेना है, A B को आप इधर लेना है, आप different ways से सोच सकते हैं। आप different way हो सकता है, आप इसे अगर search out करें तो आपको different different representation में मिले। But in my all the videos, I have considered this पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज अगर मैं एक को अपना के चलूंगा, एक को स्ट्रिक करके चलूंगा, जिससे कि मैं कहीं पे भी आगे किसी पोर्शन में कंफ्यूज ना हो कि रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, देयर आर सो मेनी वेज, बट वी आर स्ट्रिक्टली फॉलो दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके तो जैसा कि मैंने आपको टू वेरिएबल के मैप में बोला था, वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वेरिएबल के मैप, देन दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री वेरिएबल के मैप, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री वेरिएबल के मैप।
So what you have to remember? You have to remember this complete representation of three variable k map. Okay, जब भी मुझे कोई three variable k map का question मिलेगा, I can simply pick this representation. This is my first system. अब ये part जब मैं आगे question में आऊंगा और मैं इस part को pick करूंगा, तो मैं directly यहाँ से वहां पे आपको रिप्रेजेंट कर दूंगा कि ये हमने रिप्रेजेंटेशन पहले से नोन है कि दिस इज माय फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर अ थ्री वेरिएबल के मैप. ओके, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द फोर वेरिएबल के मैप, तो फोर वेरिएबल के मैप, नाउ द वेरिएबल आर फोर, तो फोर वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशन होंगे? जी हाँ, टू की पावर फोर, दैट मीन्स 16 कॉम्बिनेशन. टू टू द पावर फोर, दैट मीन्स 16 कॉम्बिनेशन आर देयर. सो दे आर 16 ब्लॉक्स, दे आर 16 ब्लॉक्स, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, and then 12, 13, 15, 14, and the block number are 8, 9, 11, and 10. This is called the block number. Okay, so kaise form hua? Again, two variables humne yahan maan liye, AB, two variables humne CD yahan kar diye. Now, there are two variables, four combination in the gray coding. So 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Similar here, CD, now the gray code 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Then, how can we calculate this block number? This block number is calculated by combining this AB and CD code. तो अगर मुझे zero block का number represent करना है कि ये zero क्यों हुआ, तो ये zero क्यों हुआ? Because this is 0 0 0 0. So if we combine 0 0 0 0, then what will I get? This is the equivalent 0. कैसे calculate किया? You can simply add on over here 8421 code. So 8421 के base पे आप यहाँ से इसे कोई भी binary number का equivalent decimal number यहाँ पे generate कर सकते हैं. Like this is the block. This is the block. This block said the number is 13. The number is 13. So, kaise 13 hua? Because here it is 11. So, AB becomes 11 and CD becomes 01. So, this is the code. AB becomes 11 and CD becomes 01. So, 1101. If I calculate this weighted code, so this one that becomes 8. This one that becomes 4. This one that becomes 1. So, 8 plus 4 plus 1 that becomes 30. So, this block is 13. So, again, मैंने आपको मेथड बता दिया कि बेसिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ कैसे है, ये ब्लॉक नंबर कैसे आ रहे हैं, बट द मेन थिंग इज दैट कि जब भी मेरे पास क्वेश्चन आएगा दैट इज अ फोर वेरिएबल के मैप, तो मैं फोर वेरिएबल के मैप के लिए ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को एज इट इज कॉल करूंगा, एज इट इज यूज करूंगा, एंड नाउ दीज ब्लॉक नंबर्स आर फिक्स्ड कि दिस ब्लॉक इज 0, दिस ब्लॉक इज 1, दिस ब्लॉक इज 3, दिस ब्लॉक इज 2, लाइक एज 4 5 7 6, 12 13 15 14, एंड देन 8 9 11 10. So you have to remember, or you have to remember the concept, or you have to remember this particular representation. So hope it is clear to you. So now this is called the two variable k-map representation, three variable k-map representation, and four variable k-map representation. So सबसे पहला step जो मैंने k-map में बताया, वो सबसे पहला step क्या है? Depend on the question, depending upon the question, आपके कितना variable k-map है, you have to select a particular representation of a k-map. Got it? Then comes to the next step. The next step is called placing. Placing, और इसी को मैं बोलता हूँ filling. इसको हम क्या बोलते हैं? Filling भी बोलते हैं. Filling step. ठीक है? Filling का मतलब क्या हुआ? हम यहाँ पे filling क्यों बोल रहे हैं? Because अब इस step के अंदर now we have to place the min term और max term. Now see, these are the min term and max term, जिसके लिए मैंने आपको previous lecture में बताया था कि min term और max term हमें given function से, given SOAP या SOP या POS function से कैसे compute करते हैं. Okay, so now for the K-map, we have given in the question min terms or max term. Okay, तो min term represent होती है sigma से, max term represent होती है pi से, जैसा कि हमने last session में देखा भी था. So if we have given like the question f is equal to summation 0 to 5 9 15, so now what? Here it is sigma, so that's why ये जो number यहाँ पे represent किए गए number क्या है? ये min terms है, ये min terms है. So अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे number कहाँ तक जा रहा है? 15 तक जा रहा है. तो 15 मुझे कहाँ पे मिलेगा? 15 मुझे मिलेगा एटलीस्ट फोर वेरिएबल के मैप में. 15 ब्लॉक नंबर कहाँ पे था? फोर वेरिएबल के मैप में. तो यहाँ बेसिकली मैं अपने फोर वेरिएबल के मैप को कॉल करूंगा, दिस इज माई रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर वेरिएबल के मैप. नाउ इन द प्लेसिंग स्टेप हम क्या कर रहे हैं? जो मिन टर्म्स हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन होती हैं, दैट मिन टर्म्स वी प्लेस वन ऑन द रिस्पेक्टिव ब्लॉक, वन ऑन द रिस्पेक्टिव ब्लॉक. दैट मीन्स आई हैव गिवन जीरो, तो मैं जीरो ब्लॉक में वन प्लेस करूंगा. आई हैव गिवन टू, तो मैं टू के अंदर वन प्लेस करूंगा. आई हैव गिवन फाइव, मैं फाइव के अंदर वन प्लेस करूंगा. आई हैव गिवन नाइन, मैं नाइन के अंदर वन प्लेस करूंगा.
आई हैव गेन 15, तो मैं 15 के अंदर 1 प्लेस कर दूं। ओके, सो सबसे पहला स्टेप मेरा क्या था, रिप्रेजेंटेशन। तो डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्योंकि मुझे 4 वेरिएबल मिल रहे हैं, बिकॉज मुझे 15 तक जाना है नंबर, और नंबर 15 4 वेरिएबल में आएगा, सो मैं यहां से 4 वेरिएबल के मैप चूज किया। देन द सेकेंड स्टेप इज कॉल्ड प्लेसिंग, जिसके अंदर हमने ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, दीज आर मिन टर्म्स, कैसे पता किया, इस समेशन साइन से। तो इन मिन टर्म्स पर्टिकुलर ब्लॉक नंबर पे हमें क्या फिल करना है, हमें फिल करना है 1। ओके, सिमिलरली अनदर क्वेश्चन में आपको हो सकता है मैक्स टर्म की बना जाए, मैक्स टर्म्स। तो मैक्स टर्म का क्वेश्चन कैसा होगा, मैक्स टर्म का क्वेश्चन इस टाइप का होगा, बिकॉज यहाँ पे पाई लगा है, तो दिस इज कॉल्ड द मैक्स टर्म। अब अगर आपका मैक्स टर्म का केस है, तो मैक्स टर्म के केस में वी प्लेस 0 ऑन द रेस्पेक्टिव ब्लॉक, वी प्लेस 0 ऑन द रेस्पेक्टिव ब्लॉक, मीन्स अगेन मेरे पास 15 नंबर है, तो मैं 4 वेरिएबल के मैप चूज कर रहा हूं। नाउ द नंबर इज 1, तो 1 पे क्या प्लेस करूंगा, 0। 5 पे क्या प्लेस करूंगा, 0। 8 पे क्या प्लेस करूंगा, 0। 9 पे 0, 10 पे 0, 15 पे 0। सो दिस इज कॉल्ड द प्लेसिंग और फिलिंग स्टेप, जिसमें मुझे गिवन क्वेश्चन में जो भी मिन टर्म है उन्हें 1 से प्लेस करना होता है, और अगर मैक्स टर्म है तो मैं 0 से प्लेस आउट करता हूं। होप इट इज क्लियर टू यू। तो फर्स्ट इज द रिप्रेजेंटेशन। अगर आपने रिप्रेजेंटेशन में ही गलती कर दी, फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लॉक नंबर है आपने गलत लिख दिए, तो फिर आप इस प्लेसिंग को तो अपने आप ही गलत कर दोगे, बिकॉज अगर आपने ब्लॉक नंबर, सपोज मैं यहाँ 1 की जगह, सपोज मैं 3 की जगह 2 लिखता और यहाँ 2 की जगह 3 लिखता, और इन माई क्वेश्चन देर इज अ 2, तो आप यहाँ पे 0 को मार्क कर देते, जो कि ऑटोमेटिकली गलत हो जाता, बिकॉज आपका ब्लॉक नंबर ही गलत है। तो इसलिए मैंने आपको पहले बोला है कि रिप्रेजेंटेशन जो है, वॉट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ के मैप, वो आपको एकदम रिमेंबर होना चाहिए, उसमें कहीं पे भी ब्लॉक नंबर की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड स्टेप इज प्लेसिंग। नाउ आफ्टर प्लेसिंग, द मेन एंड द मोस्ट ट्रिकी स्टेप ऑफ द के मैप इज कॉल्ड ग्रुपिंग और पेयरिंग, ग्रुपिंग और पेयरिंग। अब ग्रुपिंग क्या है, इट इज डन इन द एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल कौन होगा, जैसे अगर मेरा एक सेल ये है, तो इसका एडजेसेंट कौन होगा, इसका एडजेसेंट ये होगा, यानी कि जिसका वॉल एक दूसरे से टच हो रही है, जिसकी वॉल एक दूसरे से टच हो रही है, दिस इज कॉल्ड द एडजेसेंट सेल। बट अगर मैं बोलूं दिस इज वन सेल एंड दिस इज अनदर सेल, सो नाउ दीज टू आर नॉट एडजेसेंट, बिकॉज दे आर ओनली कॉर्नर टचिंग, दे आर ओनली कॉर्नर टचिंग। ओके, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट सेल। अभी हम आगे पेयरिंग देखेंगे तो वहां पे और ज्यादा चीज क्लियर होगी, बट मैं केवल आपको यहाँ सिंपल बता रहा हूँ व्हाट इज द मीन ऑफ यहाँ पे एडजेसेंट का मतलब क्या है। एंड सेकंड कंडीशन इज इन पावर ऑफ टू। इन पावर ऑफ टू मतलब आपका ग्रुप जो होगा वो टू की पावर्स में बनेगा, लाइक टू की पावर 0, दैट मीन सिंगल, यानी आपका कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता। अगर हम बोलते हैं 2 की पावर 1, यानी कि मैं 2 का कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, जिसे हम बोलते हैं डबल। हम 2 की पावर 2 यानी कि 4 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्वाड। हम 8 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, हम 16 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मतलब ग्रुपिंग में किसकी कर रहा हूं, ग्रुपिंग में करूंगा अपने फिल स्टेप की। ग्रुपिंग आप किसकी करोगे, ये जो आपने फिलिंग करी है, इन वंस की मुझे ग्रुपिंग करनी है, या इन जीरोस की मुझे ग्रुपिंग करनी है। तो अभी हम एक की बात करते हैं, वी आर टेकिंग ओनली मिन टर्म। तो अगर मिन टर्म आपने फिल कर ली, तो अब मुझे फिल करने के बाद इन वन की ग्रुपिंग करनी है। तो वन की ग्रुपिंग कैसे होगी, एडजेसेंट सेल में होगी। एडजेसेंट कौन होगा, अब जैसे ये सेल है तो इसका एडजेसेंट कौन होगा, इसका एडजेसेंट ये भी होगा, इसका एडजेसेंट ये भी होगा, इसका एडजेसेंट ये होगा, तो दीज आर ऑल आर एडजेसेंट, बट दिस सेल एंड दिस सेल इज नॉट एडजेसेंट, दे आर कॉर्नर टच्ड। ठीक है, तो इनके बीच में ग्रुपिंग नहीं हो सकती। ठीक, और ग्रुपिंग कितने की होगी, कितने वंस हम एक साथ जोड़ सकते हैं, आइदर आप 2 की पावर्स में, लाइक 2 की पावर 16 वन आप एक साथ जोड़ सकते हो, 8 वन जोड़ सकते हो एक साथ, 4 वन जोड़ सकते हो, 2 जोड़ सकते हो, और अगर कहीं पे भी नहीं कॉम्बिनेशन बन रहा है तो दैट मींस वो सिंगल रह जाए। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं, ग्रुपिंग को हम और किस तरह से कर सकते हैं बाय द डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल। सो आई हैव चूजन 2 वेरिएबल के मैप फर्स्ट, देन 3 वेरिएबल, देन 4 वेरिएबल, की डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रुपिंग कैसे होते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद 2 वेरिएबल के मैप। तो यहां तक मैं आपको ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग 2 वेरिएबल के मैप में 4 सेल होते हैं, देयर आर 4 सेल, और उनमें कैसे नंबरिंग होती है, और उसके बाद आप फिलिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल इसलिए कॉल किए हैं कि मैंने यहाँ पे शो किया है कि मिनटर्म्स ऑलरेडी प्लेस, नाउ हम ग्रुपिंग कैसे करें। ओके, तो ग्रुपिंग का हमने जो रूल देखा वो क्या है, कि ग्रुपिंग एडजेसेंट सेल में होती है और
किस में होती है? और 2 की पावर्स में होती है, ग्रुपिंग एडजेसेंट सेल और 2 टू द पावर्स में होती है। ओके, अब एक और जो मेन रूल है ग्रुपिंग के लिए वो क्या है कि हमें ग्रुप को बड़े से बड़ा बनाना होता है, हमें अपना जो ग्रुप करना है वो बड़े से बड़ा। लाइक अगर मैं इस 2 वेरिएबल के मैप की बात करूं तो इस 2 वेरिएबल के मैप में मेरे पास 4 सेल है, ठीक है। अगर यहाँ चारों वन अवेलेबल हैं तो मेरा बड़े से बड़ा मैक्सिमम पेयर कितना बन सकता है? एक चारों का पेयर बन सकता है जिसे हम बोलते हैं क्वाड। तो दैट मींस यहाँ पे जो ग्रुपिंग होगी यहाँ पे होगी चारों की ग्रुपिंग, क्योंकि चारों एक दूसरे के एडजेसेंट है, दैट इज कॉल्ड द वन ग्रुप, ठीक है। बट मे बी आपके पास चारों अवेलेबल वन ना हो, इन दैट केस दिस इज द सेकेंड केस, आपके पास इस तरह से मिन टर्म फिल होके आई है। ओके, सो अब इसमें मैं सबसे बड़ा पेयर कौन सा बना सकता था? चार का। बट क्या यहाँ चार का बन सकता है? नहीं, यहाँ चार का नहीं बन सकता। तो फिर मैं चार से नीचे आऊंगा, तो चार से नीचे कौन से वैल्यू हम बना सकते हैं? यानी कि 2 का पेयर हम बना सकते हैं, दो दो के पेयर। तो अब यहाँ पे दो दो के पेयर देखिए क्या, अब कौन सा वन किस वन के साथ एडजेसेंट हो सकता है? तो अगर मैं बात करूं इस वन की, ये जो वन है ये वन इसके साथ एडजेसेंट है, तो यहाँ पे एक पेयर बन सकता है लाइक दिस, दिस वन इज एडजेसेंट टू दिस पेयर, लाइक दिस इज अ पेयर। एंड नाउ अब मुझे इस वन के लिए पेयर बनाना है, तो अब इस वन का पेयर, इस वन को मैं किसके साथ कंबाइन कर सकता हूं? क्या ये वन इस वन के साथ कंबाइन हो सकता है लाइक दिस? जी नहीं, ये ऐसे कंबाइन नहीं हो सकता, बिकॉज ये दोनों सेल एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। तो ये वन किसके साथ कंबाइन होगा? जी हाँ, ये वन कंबाइन होगा इस सेल के साथ। ओके, सो नाउ माय करेक्ट पेयरिंग इज व्हाट? माय करेक्ट पेयरिंग इज दिस वन इज कंबाइन विद दिस वन एंड द सेकेंड वन इज दिस वन। गॉट इट? सो बेसिकली पेयरिंग का रूल क्या है, हमें पहले बड़े से बड़ा पेयर ढूंढना है, बट वो 2 की पावर्स में ही बन सकता है। तो अगर मैं 2 वेरिएबल के मैप के अंदर हूं, तो मैंने सबसे पहले 4 का कॉम्बिनेशन देखा, अवेलेबल है ठीक है बना दिया, अवेलेबल नहीं है तो फिर मुझे 2-2 का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। तो दिस इज द 2-2 कॉम्बिनेशन। नाउ कंसिडर दिस केस, नाउ हियर देयर आर 2 वंस ओवर हियर, तो क्या होगा? दीज 2 आर एडजेसेंट, तो यहाँ पे केवल एक सिंगल इनका पेयर बन सकता है लाइक दिस, द पेयर इज कंप्लीट। सिमिलरली इन दिस वन देयर आर 2 वंस, तो 2 वंस का एक पेयर बन सकता है, तो यहाँ पे इन दोनों का पेयर इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। Then, now the last one is this. Suppose you have a case, जब आपके पास इस तरह से 2 वेरिएबल के मैप बन के आ रहा है, जहां पे 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो क्या अब मैं इन दोनों को क्लब कर सकता हूँ? जी नहीं, मैं इन दोनों का पेयर नहीं बना सकता, अब ये किसी भी तरह से आपस में क्लब नहीं हो सकते। तो इस के मैप के अंदर कोई पेयरिंग नहीं होगी, दैट मीन्स ये भी सिंगल रह जाएगा और ये भी आपका सिंगल रह जाएगा, दैट मीन्स इनका कोई पेयर आपस में कनेक्ट नहीं है। दिस इज कॉल्ड बेसिकली ग्रुपिंग, ठीक है, कि हम मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं और देन मिनिमम तक जाते हैं कि कब तक मिनिमम वैल्यू का पेयर कितने का बन सकता है, ठीक है। अभी आगे बहुत ग्रुपिंग है, अभी आपको मे बी यहाँ पे कम अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, बट जैसे जैसे आप वीडियो प्रोसीड करेंगे, आप देखते जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और इंक्रीज होगी। सो लेट अस टेक अनदर वेरिएबल, दैट इज ग्रुपिंग इन 3 वेरिएबल के मैप। सो 3 वेरिएबल के मैप में मैंने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स पहले से यहाँ पे ले लिए हैं। सो दीज आर द डिफरेंट सिचुएशंस जहाँ पे आपको मिन टर्म गिवन है और 3 वेरिएबल में आपने रिप्रेजेंटेशन लिया, देन उसके बाद आपने मिन टर्म को फिल ऑन कर दिया। तो दीज आर द मिन टर्म्स फिलिंग, दिस इज अनदर एग्जांपल, अनदर एग्जांपल, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल। तो देखते हैं वन बाय वन कि इनमें ग्रुपिंग कैसे होगी। तो सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे मेरे पास कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं? 8 सेल्स आर देयर। तो सबसे पहले मैं हमेशा देखूंगा बड़े से बड़ा ग्रुप, यानी कि क्या 8 का ग्रुप बन सकता है, 8 मिन टर्म्स का ग्रुप बन सकता है। तो अगर हमने इस क्वेश्चन में देखा तो यहाँ 8 मिन टर्म अवेलेबल हैं, तो जी हाँ, यहाँ पे 8 का ग्रुप एक साथ बन सकता है, दैट मींस वी कैन फॉर्म अ सिंगल ग्रुप ऑफ 8। ओके, क्वेश्चन ओवर, कोई मिन टर्म अब नहीं बची। अब अगर मैं सेकंड केस की बात करते हैं, तो इस सेकंड केस में वी हैव 4 वंस, वी हैव ओनली 4 मिन टर्म्स। तो अब सबसे पहले क्या मैं यहाँ पे 8 का पेयर बना सकता हूँ? जी नहीं, मैं यहाँ पे 8 का पेयर नहीं बना सकता। तो अब 8 के बाद हम नेक्स्ट पेयर कौन सा वैलिड है? 2 टू द पावर 2, दैट मीन्स 4 का पेयर, ठीक। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे 4 का पेयर बन सकता है? जी हाँ, यहाँ पे 4 वंस जो हैं ये एक साथ हैं, दीज आर एडजेसेंट टू ईच अदर, तो यहाँ पे पूरा का पूरा आप इस 4 को एक साथ पेयर कर सकते हैं, ठीक। देन दिस इज द केस, दिस इज द सिचुएशन, अगेन यहाँ पे 8 तो है नहीं, तो मैं किसका ढूंढूंगा? मैं 4 के लिए ट्राई करूंगा। तो 4 वंस यहाँ पे एक साथ है, दीज आर 4 वंस जो कि एक साथ है, जिनका एक साथ ग्रुप बन सकता है, तो दिस इज अ ग्रुपिंग ऑफ दीज 4 वंस। सिमिलरली Now this is the case. Now this is the important one. See, there are 4 ones over here. Again, मैं सबसे पहले चेक करूंगा 8 ones का नहीं बन सकता। अब मैं चेक करूंगा 4 ones के लिए।
तो अब यहाँ आपको लग रहा होगा यहाँ फोर वंस का नहीं बन सकता, बट यहाँ पे फोर वंस का बनेगा, बिकॉज जो ये के मैप की ये बाउंड्री होती है, दीज बाउंड्री आर बेसिकली रोटेटेड बाउंड्री, मीन्स दे आर कनेक्टेड लाइक अ 3D शेप. दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड ऑल्सो दीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर. तो बेसिकली दिस इज इन अ फोल्डेड फॉर्म और ये बाउंड्री आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है. तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है पूरा का पूरा, इसका एडजेसेंट ब्लॉक कौन हो जाएगा, इसका एडजेसेंट ब्लॉक ये हो जाएगा, बिकॉज दे आर टच फ्रॉम दिस वॉल, इस वॉल से ये आपस में टच्ड है. ओके, सो यहाँ पे आपका चार का पेयर ही बन जाएगा, बिकॉज ये दो वंस आपके इन दो वंस के साथ क्लब हो जाएंगे. तो कैसे दिखेगा, नाउ दिस पेयर विल बी लुक लाइक दिस. सो दिस टू एंड दिस टू आर कंबाइंड एंड फॉर्म अ पेयर ऑफ फोर. नाउ दिस इज द केस. अब इस केस में क्या आठ का बन सकता है, नहीं आठ का नहीं बन सकता, बिकॉज आठ मिनट है ही नहीं. क्या चार का बन सकता है, चार का भी नहीं बन सकता क्योंकि चार मिनट भी नहीं है. तो अब मैं किसका ढूंढूंगा, अब मैं पेयर सर्च आउट करूंगा जिसमें हम दो मिनटम्स को एक साथ क्लब कर सके, यानी अ पेयर ऑफ टू. सो क्या ये दोनों मिनटम एक साथ क्लब हो सकती हैं, जी हाँ. क्यों, क्योंकि ये और ये जो दोनों ब्लॉक हैं, दीज आर कनेक्टेड बाय दिस वॉल, तो दैट मीन्स दीज आर एडजेसेंट टू ईच अदर. तो इनका एक पेयर फॉर्म हो सकता है लाइक दिस ओवर हियर एंड हियर. ओके, एंड दिस इज द लास्ट केस इन द केस ऑफ थ्री वेरिएबल की मैप, जहां पे आपको ये दो मिनटम्स इस तरह से दिए गए. क्या अब यहां मैं कोई पेयर फॉर्म कर सकता हूं, जी नहीं, मेरा यहाँ पे कोई पेयर फॉर्म नहीं हो सकता, बिकॉज ये दोनों सेल एडजेसेंट नहीं है, ये दोनों सेल एडजेसेंट नहीं है. तो हम इनमें कोई पेयर फॉर्म नहीं कर सकते, दैट मींस यहाँ पे हमारा कोई पेयर फॉर्म नहीं होगा और ये दोनों वंस हमारे सिंगल सिंगल वंस के तौर पे अवेलेबल रहेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन पार्ट. तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन पार्ट जो आपको दिख रहा है. उसके बाद दिस इज द फिलिंग पार्ट जिसमें हमने इसमें वंस को फिल किया. एंड देन द थर्ड स्टेप इज द ग्रुपिंग, जहां पे हम इस तरह से ग्रुप कर रहे हैं, वंस को ग्रुप करते हैं इन पावर ऑफ टू. ठीक है, सिमिलरली चलिए देखते हैं, नेक्स्ट वन इज द ग्रुपिंग इन फोर वेरिएबल के मैप. सो फोर वेरिएबल के मैप का सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन एंड द डिफरेंट सिचुएशन जहां पे मैंने यहाँ पे फिलिंग कंसिडर कर ली है. ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग के लिए. तो अगर मैं फोर वेरिएबल के मैप की बात करूं, तो मेरे पास मैक्सिमम पॉसिबल पेयर कौन सा हो सकता है, जी हाँ 16 का, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे वंस अगर अवेलेबल होंगे तो यहाँ पे 16 का एक पेयर बन जाएगा लाइक दिस 16 पेयर. बट अब अगर सारे वंस अवेलेबल नहीं है, दैट मीन मैं 16 का पेयर नहीं बना सकता, तो फिर उसके नीचे पेयर कौन सा होता है, 16 के नीचे पेयर कौन सा होगा, 2 की पावर 3, दैट मीन 8. तो मैं 8 का पेयर ट्राई करूंगा जिसमें 8 मिनटर्म्स आप एक साथ कनेक्ट कर सके. अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि केमैप के अंदर दिस वॉल इज कनेक्टेड विद दिस वॉल एंड दिस अपर वॉल इज कनेक्टेड टू दिस बॉटम वॉल. तो बेसिकली ये जो आपका पूरा का पूरा बॉटम ग्रुप है, ये ग्रुप इस बॉटम ग्रुप के साथ एडजेसेंट रहता है. तो दैट मीन्स हम इस चार को इन चार के साथ क्लब कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 8 मिनटर्म्स हैं, तो 16 का तो बन नहीं सकता. तो फिर हमने ट्राई किया 8 का, क्या है 8 का बन सकता है, जी हाँ 8 का बन सकता है. कैसे, दीज फोर आर क्लब विद दीज फोर. ओके, नेक्स्ट सीन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसमें भी यहाँ पे ये चार वंस हैं और ये चार वंस हैं, अगेन दीज टू वॉल आर कनेक्टेड टू ईच अदर. तो अनदर हमारा दोनों के दोनों एडजेसेंट हैं, तो दोनों को एक साथ क्लब कर सकते हैं. वी कैन मेक अ पेयर ऑफ 8, वी कैन मेक अ ग्रुप ऑफ 8. ठीक है, नाउ कंसिडर दिस वन, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट आई थिंक आई कैन से. इन दिस केस यू हैव फोर वंस इन ऑल द फोर कॉर्नर, यू हैव फोर वंस इन ऑल द फोर कॉर्नर और फोर वंस इन द मिडिल पार्ट. तो क्या मैं इन आठों को एक साथ क्लब कर सकता हूँ, जी नहीं, मैं आठ को एक साथ क्लब नहीं कर सकता. डेट मीन्स यहाँ पे आठ का पेयर नहीं बन सकता. तो जब 16 का नहीं बन सकता, 8 का नहीं बन सकता, तो हम किसकी सर्च आउट करेंगे, हम सर्च आउट करेंगे फॉर द पेयर ऑफ फोर, फॉर द पेयर ऑफ फोर. तो हम यहाँ फोर का पेयर बनाते हैं. तो अब अगर मैं देखूं, मुझे एक पेयर क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये चार एक साथ क्लब हो सकते हैं, ये चार एक साथ क्लब हो सकते हैं. ठीक है, एंड दिस इज अ स्पेशल केस दैट इज कॉल्ड द कॉर्नर केस. जब आपके पास चारों कॉर्नर अवेलेबल हैं, ये चारों कॉर्नर, तो ये चारों कॉर्नर आपके एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं बाय अ सिंगल ग्रुप, और इसे हम बोलते हैं कॉर्नर ग्रुप. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट. अगर आपके पास ये कॉर्नर पेयर है, तो ये कॉर्नर आपका क्लियर मतलब एज अ फोर के पेयर में कंबाइंड हो जाता है. तो दिस इज द फर्स्ट पेयर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड द सेकेंड वन इज दिस वन. दीज फोर टर्म्स आर कंबाइंड टूगेदर. ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स टू द दिस पार्ट. इस वाले में देखते हैं, इस वाले में क्या क्या ग्रुपिंग होंगी. आप
जो मैंने पार्ट दिखाए हैं, जब एक बार आप समझ जाएंगे तो आप वापस से वीडियो को पॉज करके अपने आप से भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। वैसे अभी हम इसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तो वी हैव स्टार्टिंग विद द रिप्रेजेंटेशन स्टेप अप टू द लास्ट स्टेप, तो हम सारे स्टेप्स को एक बार क्वेश्चंस में दोबारा से देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ तो मैं केवल आपको एक बेस बना रहा हूँ ताकि आप ग्रुपिंग से ग्रुपिंग को जान पाए कि बेसिकली ग्रुपिंग कैसे होती है, किस किस तरह से होती है और कैसे हमें करनी है। ओके, सो वी आर इन दिस क्वेश्चन, सो नाउ कंसिडर दिस सिचुएशन। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, कौन कौन से ग्रुप बन सकते हैं? जी हाँ, अब तक तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आने लगा होगा। सो दीज टू वंस आर एडजेसेंट विद दीज टू वंस, तो हम एक पेयर बना सकते हैं इन दो का, जो कि चार का बन जाएगा। और सिमिलरली ये दो वंस हमारे इन दो वंस के साथ कनेक्टेड हैं, तो हम यहाँ पे एक पेयर बना सकते हैं जो कि फिर से एक फोर का ग्रुप फॉर्म कर देगा। ओके, तो सबसे पहले मैं फिर से वही चीज दोहरा रहा हूँ बार बार कि सबसे पहले हमें बड़े से बड़ा ग्रुप देखना है। इफ वी आर इन फोर वेरिएबल के मैप, देन वी गो टू द 16 ग्रुप। अगर 16 अवेलेबल नहीं है तो हम 8 को ट्राई करेंगे, 8 अवेलेबल नहीं है तो हम 4 के पेयर को ट्राई करेंगे, क्या 4-4 के पेयर बन सकते हैं? और अगर 4 का पेयर अवेलेबल नहीं है, लाइक इन दिस केस, नाउ इफ इन दिस केस यू कैन सी यहाँ पे ना तो 16 का बन सकता, ना 8 का बन सकता, और ना ही यहाँ पे 4 वन ऐसे हैं जो कि आपस में कंबाइन हो सके, यानी कि यहाँ पे 4 का पेयर भी नहीं बन सकता। तो अब मैं यहाँ पे बात करूंगा, ढूंढूंगा, सर्च करूंगा फॉर अ पेयर ऑफ टू, कि मैं दो दो मिनटम कैसे एक साथ कंबाइन कर सकता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो का मिनटम, हम एक पेयर हमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया, नाउ आई कैन आइडेंटिफाई दिस। इसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ पेयरिंग कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बताऊंगा किसकी पेयरिंग कहाँ पे सही है, कौन सी पेयरिंग सही है। सो मैंने यहाँ पे एक पेयर आइडेंटिफाई किया, दिस इज द पेयर वन आइडेंटिफाई। अब जब आप एक मिन टर्म्स को ग्रुप कर लेते हैं तो बेसिकली मुझे यहाँ पे क्या करना होता है, मुझे यहाँ पे बची हुई मिन टर्म्स का पेयर ढूंढना होता है जो मेरी रिमेनिंग मिन टर्म्स है। ऐसा नहीं है कि मैं यूज मिन टर्म को ही बार बार यूज करूंगा पेयर बनाने के लिए, मैं बची हुई मिन टर्म्स का पेयर ढूंढूंगा। तो जब मैंने बची हुई रिमेनिंग मिन टर्म्स का पेयर ढूंढेंगे तो आपको एक पेयर दिखेगा क्लियरली कि एक पेयर ये है मेरे पास और एक पेयर मेरे पास ये है, यानी कि एक पेयर हमारा ये हो गया और एक पेयर हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन मेक अ ग्रुपिंग इन मिन टर्म्स। इसमें मैं फिर से आपको बताता हूं कि बेसिकली हमने किया क्या है यहाँ पे। अगर मैं सपोज यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अब कोई सपोज इसे डिफरेंट वे से सोचता है, कोई कहता है मैंने इसको यहाँ से ग्रुप करना स्टार्ट किया और यू कैन सिंपली ग्रुप दिस वैल्यू, यू कैन सिंपली ग्रुप दिस वैल्यू। ओके, देन मैंने बोला जब एक ग्रुप आप बना लें तो जो बची हुई मिन टर्म्स हैं आप उन्हें देखिए, बची हुई मिन टर्म्स हैं आप उनकी पेयरिंग बनाइए। तो अब मैंने बची हुई मिन टर्म्स की पेयरिंग बनाई, अब ये मेरा मिन टर्म बच रहा है, इस मिन टर्म को मैं किसके साथ जोड़ सकता हूँ, मैं इसके साथ जोड़ सकता हूँ। मैं पेयर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि पेयर बनाने से मेरी रिडक्शन होगी, तो इसलिए पेयर बनाना जरूरी होता है कि जितना बड़ा आप पेयर बनाएंगे उतनी ही ज्यादा आपको रिडक्शन मिलेगी इन योर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हमने इसे क्लब कर लिया, चलिए अब ये मिन टर्म बची, हमने सोचा चलो इसे क्लब कर लेते हैं, तो हमने इसे क्लब कर लिया। अब उसके बाद ये मिन टर्म बची, तो इस मिन टर्म को आपको इसके साथ क्लब करना होगा, करना होगा। सो सी मैंने कितने नंबर ऑफ पेयर बना दिए, मैंने यहाँ पे पेयर बना दिए 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, मैंने चार ग्रुप बनाए हैं और चारों के चारों ग्रुप कैसे हैं, दो दो के पेयर में है, दो दो मिन टर्म्स का पेयर है, लेकिन मैंने बनाए कितने हैं, चार। बट वहीं पे अगर मैं आपको इसके करेक्ट सॉल्यूशन की बात करूं तो इसका करेक्ट सॉल्यूशन क्या था, इसका करेक्ट सॉल्यूशन था दीज आर द 3 पेयर्स, बिकॉज तो हमारे नंबर ऑफ पेयर क्या हुए, कम। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारी पेयरिंग एक्स्ट्रा तो नहीं जा रही, हमारी पेयरिंग एक्स्ट्रा तो नहीं जा रही। अब अगर मैं बात करूं मैंने गलती क्या करी थी, मैंने गलती ये करी थी, हमने इसको ये जो मिनटम है, दिस मिनटम, ये मिनटम आपकी इसी मिनटम के साथ क्लब हो सकती है, ये मिनटम इसी मिनटम के साथ क्लब हो सकती है, इसका पेयर इसी के साथ बन सकता है, दूसरे के साथ बनेगा नहीं। ओके, ऐसे ये जो मिनटम है इसका पेयर इसी मिनटम के साथ बन सकता है, दूसरे के साथ बनेगा नहीं, ये इसी के साथ क्लब हो सकती है। तो अगर मैं पहले इस तरह से पेयरिंग ढूंढूं कि किसकी नेसेसरी पेयरिंग है, कि ये मिनटम केवल इसी के साथ क्लब हो सकता है, ये मिनटम इसके साथ क्लब हो सकता है, तो अब मेरे पास क्लियरली दिख रहा है कि मेरे पास ये दो मिनटम बची हैं, तो अगर मैं इनका एक पेयर बना दूं तो आई कैन गेट ओनली 3 पेयर्स एंड ईच पेयर इज ऑफ 2 मिनटम्स। ओके, तो आई थिंक अब आपको थोड़ा बहुत ग्रुपिंग समझ में आया होगा। अब आप वापस से इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप से कहीं पे भी 1 को मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, इनसाइड द की मैप। सपोज अगर मैं इसके मैप की बात करता हूँ तो यहाँ पे 1 गिवन है, यहाँ पे 1 गिवन है, यहाँ पे 1 गिवन है, इस तरह से मैंने 1 लगाया, नाउ व्हाट इज द पेयर। तो अगर मैंने यहाँ 1 लगा दिया होता तो ऑलरेडी दिस 8 ग्रुप इज ऑलरेडी देयर। अब
ये वन किसके साथ कंबाइंड होगा, ये वन मेरा इस वन के साथ ही कंबाइंड होगा। तो मैं यूज मिन टर्म को वापस से यूज कर रहा हूं टू मेक माई पेयर बिगर, टू मेक माई पेयर बिगर। अगर मैं यहां सिंगल छोड़ दूंगा तो उस सिंगल से मुझे कोई सिंप्लीफिकेशन, कोई रिडक्शन नहीं मिलना, बट अगर मैं इस मिन टर्म को इस मिन टर्म के साथ क्लब कर रहा हूं तो दैट मीन्स मुझे रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली अब आपकी ये मिन टर्म है, ये मिन टर्म किसके साथ क्लब हो सकती है, ये मिन टर्म इसके साथ क्लब हो सकती है। ऐसे ये मिन टर्म है, ये किसके साथ क्लब होगी, ये इसके साथ क्लब होगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे वन को प्लेस करके ग्रुपिंग बना सकते हैं कि आपको ग्रुपिंग किस तरह से करनी है। बट रिमेंबर ऑलवेज द ग्रुपिंग स्टेप्स, व्हाट आर द ग्रुपिंग स्टेप्स, कि सबसे पहले हमें बड़े से बड़ा पेयर ढूंढना है, टू की पावर्स में ढूंढना है और मिनिमम नंबर ऑफ पेयर्स बनाना है। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द वी हैव डन इन स्टेप्स इन के मैप, दैट वी नो अंडरस्टैंड द रिप्रेजेंटेशन स्टेप, वी अंडरस्टैंड द प्लेसिंग ऑफ फिलिंग स्टेप, कि हमें वन को प्लेस करना है, कहां कहां पे प्लेस करना है, एंड व्हाट इज द ग्रुपिंग, कि हमें के मैप के अंदर ग्रुपिंग किस तरह से करनी होती है। ग्रुपिंग इज नॉट एन इजी टास्क, आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तीन चार बार आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही ग्रुपिंग बेसिकली समझ में आता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में जो स्टार्ट करेंगे द फाइनल स्टेप, जो कि बचा है हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, तो मैं वहां पे क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करूंगा कि आपको क्वेश्चन किस तरह से गिवन होता है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन, देन प्लेसिंग, देन ग्रुपिंग, एंड देन फाइनली वी कैलकुलेट द आंसर। तो तब तक के लिए आप इतना के मैप को प्रैक्टिस कीजिए, याद करिए कि हमें रिप्रेजेंटेशन को, अगर हमारे पास क्वेश्चन आता है फोर वेरिएबल, तो हमें उसका क्या रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसे प्लेसिंग करनी है, कैसे ग्रुपिंग करनी है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।